नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज जीडी का दूसरा दिन है और जो बच्चे हैं जो ग्राउंड से निकलकर बाहर आ चुके हैं, इनका आज कितने क्या बैच बने, कैसे क्या परफॉर्मेंस रही, और जो फर्स्ट और सेकंड बैच है उनका भी लगभग फिजिकल वो चल रहा है, किसी को बीम में निकाल दिया, किसी को हाइट में, ये सब भी साथ साथ हो रहा है। सुबह का टाइम लगभग 6:30 बज रहे हैं। जो लड़के लोग 1:30-2 बजे बाद में ग्राउंड में एंटर कर चुके थे, उसके बाद भी उनका 1.5-2 घंटे बाद में जो रनिंग है, रनिंग कंप्लीट करने के साथ ही उनका जो आगे का प्रोसेसर वो स्टार्ट कर दिया जाता है उसी टाइम पे, क्योंकि पूरा दिन लगता है इस प्रोसेसर में। तो भाई ये जो ग्राउंड से निकल कर बाहर आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं क्या क्या हो रहा है, किस वजह से बाहर निकल गए। भाई क्या नाम है आपका? विक्रम गदारा। भाई आपका? सोनू राजू। और भाई आप? मुनीश सिंह। तो भाई आज जो ग्राउंड में जीडी का जो सेकंड बैच था यहाँ श्री गंगानगर में, तो यहाँ कितने बैच बने आज? 8 बैच बने। तो आप कौन से बैच में रनिंग किए? फर्स्ट बैच में। तो फर्स्ट बैच में रनिंग में आपके कितने बच्चे हैं जो पकड़े आज? 43 बच्चे पकड़े। और सेकंड में, थर्ड में किसी का पता हो तो? सेकंड में 34 और थर्ड में 41 और फोर्थ में 40। और जो ग्राउंड में बच्चे हैं वो अंदर ही हैं, जैसे ही बाहर आएंगे और उनसे बात करेंगे। तो भाई आपको किस वजह से बाहर निकाल दिया? चेस्ट में, दोनों को चेस्ट में निकाल दिया। एक्सीडेंट लगाया? गुड नहीं, गुड 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 लगाया। और भाई जो आपको एंट्री गेट पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किए गए वहाँ पे? एंट्री गेट पर एफिडेविट है, 10वीं बारहवीं मार्कशीट। भाई अभी मेरे को एक लड़का मिला है, उसको मैं स्टैंड पर छोड़ के आया हूँ। वो लड़का जो एफिडेविट लेके साथ नहीं आया था, इसलिए उसको एंट्री भी नहीं दी गई। तो आप इस बात का ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके आओ आप अपने। मार्कशीट 10वीं 12वीं की दोनों मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, एफिडेविट, आधार कार्ड और साथ में आपको एनसीसी से सर्टिफिकेट है तो वो, ये पिछले मतलब, और जो आपका स्टेट लेवल का बनता है जाति और मूल, तो वही रहेगा उसमें, कोई वो नहीं है कि आपका 6 महीने पुराना है, 2 साल पुराना। कल जो बच्चे निकल के आए हैं वो भी यही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीम में हो जाता है? बीम में बहुत ज्यादा सारे निकले, पहले बैच में 4-5 निकले, 4-5 लेके आज पहले बैच में निकल। और मतलब ग्राउंड में कितनी देर आपको ट्रैक पर बैठाने के, मतलब ग्राउंड से बैठाने बैच में? तो 4 बजे ट्रैक पर ले गया और 4:45 तक निकल रहे, 45 मिनट पहले में, 1 बजे से 4 बजे तक एंट्री हो गई थी हमारी, 4 बजे से 4:45 तक तो ट्रैक पर बैठाया रखा था। मतलब इतना टाइम पर ट्रैक पर बैठाया गया तो लड़के लोग ठिठुर गए वहाँ पे, उस वजह से उनको है जो रनिंग भी नहीं हुआ भाई कुछ बच्चों के, या फिर जैसे हाथ पैर बिल्कुल ठिठुर गए तो बीम्स वगैरह, डिस्क वगैरह, इन सब के अंदर वो क्वालिफाई नहीं हो पाई। चलो कोई बात नहीं, सर्दी ज्यादा है, कोहरा ज्यादा, अपनी ओढ़ने पहनने का सामान साथ लेके आइए, और खाने पीने का सामान है वो भी, जो भाई ये अंदर ग्राउंड में जाएंगे वो भी साथ लेके जाइए। ठीक है भाई, इतनी जानकारी देने के लिए। और बढ़िया है, टाइम टू पूरा बढ़िया देन लग रहा है, स्टाफ एकदम, कोई हाथ में डंडा ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता है कोई किसी भी प्रकार, एक नंबर स्टाफ है, 40-40, 35-40 पूरा बंदा पकड़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।